काम ठीके गैंगस्टर रंजीत सफेलकर और उसके साथियों के खिलाफ कलमनाथ थाने में एक दुकान मालिक को दुकान खाली करने और कब्जा छोड़ने के लिए धमकाने का मामला सामने आया। दुकान के मालिक ने सफेलकर पर आरोप लगाते हुए कहा कि रंजीत ने उसे अपनी कामठी स्थित कार्यालय में बुलाकर धमकाते हुए कहा था कि जिंदा रहना है कि नहीं, अच्छे से समझा रहा हूँ, मेरे लड़के को इशारा करूंगा तो यही से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। यह कहते हुए रंजीत ने पीड़ित दुकान मालिक रवि राजू डिंकोडवार की दो दुकानों पर जबरन कब्जा जमा लिया। पश्चात नया कैबिन बनवाया और दुकान पर ओम साई लैंड डेवलपर्स का बोर्ड लगा दिया। पीड़ित रवि की शिकायत पर कलमना पुलिस ने रंजीत सफेलकर, राकेश काले, अजय चिन्नौर, चेतन कड़ू व अन्य पांच के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार रवि डिंकोडवार एक सोसाइटी के अध्यक्ष के वाहन का चालक है, वह प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसने 29 मार्च 2016 में वांजरा में 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट जफर हुसैन शेख से खरीदा था। इस प्लॉट में चार दुकान के कमरे बनाए हैं। इन दुकानों में से दो दुकानों पर रंजीत ने कब्जा किया है। रंजीत पर कई आपराधिक मामले दर्ज है, यह बात रवि डिंकोडवार भी जानता था। श्री डी कोंडवार फिर पुलिस स्टेशन तक्रार दिली की त्यांचे कळमना गाव इथे दोन दुकान होते, ते दुकान त्यांनी ताब्यात घेतले रंजीत सफेकरांच्या सहकार्याने, आणि ते दुकान त्याला धमकी देऊन त्याला जीवकार्याने धमकी देऊन असे दुकान ताब्यात घेतले आणि अजूनपर्यंत तो परत करत नाही आहे। ते फिर्यादीने तक्रार दिल्यावरून पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल आहे आणि त्याचा तपास चालू आहे। रवि ने पुलिस को बताया कि रंजीत और उसके साथियों ने कार्यालय में दहशत का माहौल निर्माण कर उसे धमकाया और दुकान पर कब्जा जमाने की बात कही तो मैंने दुकान देने से इनकार कर दिया क्योंकि इन दुकानों से उसकी रोजी रोटी चलती है। जब मुझे जान से मारने की धमकी दी तब मैंने दो दुकानें दे दी। पश्चात दूसरे दिन सफेलकर ने दोनों दुकानों पर कब्जा कर लिया। रंजीत सफेलकर ने 7 महीने होने पर दुकानें खाली नहीं कर रहा था जबकि उसने कुछ दिनों के लिए किराए पर लेने की बात की थी। बार बार दुकान खाली करने की गुजारिश करने पर उसके साथी कहते रंजीत सफेलकर से मुलाकात कर तब दुकान खाली करेंगे। बाद में रंजीत जान से मारने की धमकी देने लगा। आखिरकार पीड़ित रवि ने उक्त आरोपी के खिलाफ कलमनाथ थाने में शिकायत की। पुलिस ने उक्त आरोपियों पर जबरन कब्जा करने और दुकान खाली करने के लिए धमकाने का मामला दर्ज किया है। अपराध शाखा पुलिस ने आरोपी रंजीत सफेलकर और उसके साथियों के बारे में शिकायत करने का आवाहन नागरिकों से किया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज नागपुर।